बाबू जी, टप्पू का सवाल गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल, टप्पू के सवाल गलत नहीं है, हमारे पास ही जवाब नहीं है। लेकिन हमें बच्चों को जवाब देना होगा जेठालाल। अगर हम आईएम खरे से हार गए तो कितने हतोत्साहित होंगे बच्चे, कितने व्यथित हो जाएंगे। हाँ तारा, उनके मन पे बहुत खराब असर पड़ेगा। सही बात है, अगर ये गलत बात हमारे बच्चों के दिल में उतर गई तो वो जिंदगी में कभी भी सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल, हाँ, किसी भी तरह उस खरे को खोटा साबित करना ही पड़ेगा, वरना हमारे बच्चों को लगेगा कि आज के जमाने में गलत लोग ही जीतते हैं। हाँ। लेकिन भिड़े उस खरे को खोटा कैसे साबित करे? उसकी बुराई का पलड़ा हमारी अच्छाई से बहुत ज्यादा भारी है। अब हमारी इस उलझन को भगवान ही सुलझा सकता है। मुझे क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, तबीयत ठीक है, वो नींद नहीं आ रही। मुझे भी, पर मुझे भी नींद नहीं आ रही है। कल रात को टप्पू ने जो सवाल पूछे उसने हम सबकी नींद उड़ा दी है। बापूजी, मैं हार गया उसका मुझे दुख नहीं है, पैसे गए उसका भी मुझे दुख नहीं है, लेकिन टप्पू हिम्मत हार गया उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। तू सही कह रहा है जेठिया, वो ईश्वर महादेव खरे के सामने हमारी हार का मतलब है हमारे सिद्धांत की हार, हमारे संस्कार की हार। बापूजी, टप्पू के पापा, हमें किसी भी तरह ये जंग जीतनी ही होगी। बिल्कुल दया, हम हार नहीं सकते, वरना बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं रहने दे, मैं देखता हूँ। वो आप लोगों के घर की लाइट ऑन देखी तो हमें लगा आप लोग जाग रहे हैं, तो सब लोग आ गए। हाँ, टप्पू के सवाल से हम इतने परेशान हो गए हैं कि नींद ही नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा दया भाभी, हमको भी नींद नहीं आ रही है। टप्पू के सवाल ने तो सबकी नींद उड़ा दी। हम भी घर पहुँचे ना, उसके बाद गोगी ने हम पे सवालों की बारिश कर दी। पाछू ना पाछू एक सवाल पूछते हो तो कि मम्मी, सच्चाई के रास्ते पे चलने से क्या जेल होती है? और जो बुरे काम करते हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता? भी बहुत डिस्टर्ब है, उसने खाना भी नहीं खाया। और गोली खाना तभी नहीं खाता जब वो बहुत दुखी होता है। सही बात है। वो हम सबकी नींद उड़ाने वाला वो आईएम खरे आराम से सो रहा होगा, खराटे मार रहा होगा, और यहाँ हम लोग जाग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी चलते हैं और उसकी नींद उड़ाते हैं। अरे सॉरी सॉरी कंट्रोल सॉरी, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, हाथ में हाथ धरे बैठे रहे क्या? और हम सब गोकुल धाम वासी हैं और गोकुल धाम वासी कभी हार नहीं सकते। वो सूरी सब सो रहे हैं क्या? वो सब यही तो है, कहाँ कोई सो रहा है। सूरी भाई की बात बिल्कुल सही है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे करप्शन के केसेस देखे, लेकिन ये सबसे बड़ा और खतरनाक, क्योंकि ये एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ। अरे एजुकेशन तो हमारे देश की नींव है, अगर नींव में ही गड़बड़ होगी तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। सही बात है भाई, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, फिर आप चाहे कितना भी इलाज करो देश मजबूत नहीं हो पाएगा। और नहीं तो क्या, ये मिस्टर खरे से इंस्पायर होकर सब लोग ऐसा गलत काम करने लगे तो देश क्या, ये दुनिया खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने अखबार में इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। ओए पप्पू, वो बातें बहुत होगी, मैं तो कहता हूँ अभी के अभी वो आयम खरे के घर जाते हैं और उसके घर जाके हल्ला बोल देते हैं और उसकी अकल ठिकाने एक मिनट में आ जाएगी। अरे भाई सोड़ी, ऐसे हिंसा से कोई हल नहीं मिलता, हम भी ऐसा करेंगे तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। अरे साउथी पहले से टूटा और मगज शांत रहा, और हर चीज में हल्ला बोलने की जरूरत नहीं है, तो जरा शांत रह जा।
किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है सोनी। आई एम खरे का स्टिंग ऑपरेशन मैं करूंगा। अरे भाई रहने दो, पोपट लाल वो बहुत चालाक आदमी है, वो तुम्हें भी जेल भेज देगा। जेठालाल मैं पत्रकार हूँ, हमारा स्टिंग ऑपरेशन अलग होता है, मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है पोपटलाल, हम लोग बेवकूफ है? पोपटलाल अगर हमारी जगह तुम होते ना तो तुम्हें पता चलता। अरे आई एम खरे को हैंडल करना, कुछ छाते को हैंडल करना नहीं कि खोला और बंद कर दिया। और शातिर आदमी है वो। मेहता साहब बीच में मेरा छाता कहाँ से आ गया भाई? छाते को क्यों घसीट रहे हो? अरे भाई आप खोले आम हम लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं, हम छाते का उदाहरण भी देते हैं। भी हो भाई, छाता बीच में कहाँ से आ गया? छाते को बंद कर दिया, छाता बीच में कैसे? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, क्या झगड़ा शुरू कर दिया तुम लोगों ने? अब पर छाते जी कैसी बात कर रहा है पोपटलाल? और पोपट तू भी शांत हो जा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। एक आइडिया है, कॉलेज के और भी तो ट्रस्टी होंगे ना, हम लोग उनको लेटर लिखते हैं और इस खरे की पोल खोल देते हैं। कैसी आइडिया? चंगला ये बरोबर है। फिर वही बात भिड़े, अरे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहेगा कि खरे के खिलाफ क्या सबूत है आपके पास, तो हम सबूत कहाँ से लाएंगे? उल्टा हो, खरे के पास हमारे खिलाफ सबूत है, जो उसने वो चालू जी पांडे जी को दिखाया वही सबूत वो बाकी सब ट्रस्टी को भी दिखा देगा, तो बाकी सारे ट्रस्टी हमारी बात मानेंगे ही नहीं। खरे भाई से लड़ना खरे खरे बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत दुख होता है, माँ सरस्वती के धाम में ऐसे लुच्चे और नालायक लोग बैठे। और सबसे बड़ी बात तो यह है बापूजी की कॉलेज का नाम क्या है, एम के गांधी कॉलेज, यानी मोहनदास करमचंद गांधी कॉलेज। गांधी बापू जो के सत्य के पुजारी थे, उन्हीं के नाम के कॉलेज में असत्य की पूजा हो रही है। बोलो बोलो। हाँ, जिस गांधी बापू ने सत्य के रास्ते पर चलकर हमें आजादी दिलवाई, आज उन्हीं के नाम के कॉलेज में असत्य का आचरण हो रहा है। सो ट्रू। हाँ, जिसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, आज इस करप्शन ने हमें गुलाम बना दिया है। अगर गांधी जी जिंदा होते ना, तो जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ दिया, उन भ्रष्टाचारियों को बहुत बड़ा सबक सिखा। अरे, अरे वाह, अरे वाह वाह, अरे क्या बात करी है तुम सबने, अरे वाह मजा आ गया, वाह वाह वाह, क्या बात करी है तुम लोगों ने, अरे तुम लोगों को तो शाबाशी देनी चाहिए। क्या 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 बात है बापूजी, हमने ऐसा आप खुश हो गए क्या? अरे रास्ता मिल गया, एमजी रोड, एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड, उस खरे को सबक सिखाने का रास्ता कॉलेज के नाम के अंदर ही है। क्या क्या बापूजी, क्या रास्ता है? अरे जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को हराया था, वैसे ही अगर हम गांधी जी के रास्ते पर चले तो ईश्वर महादेव खरे को हरा सकते है। अरे तुम लोगों को तो शाबाशी देनी चाहिए। क्या 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 बात है बापूजी, हमने ऐसा आप खुश हो गए क्या? अरे रास्ता मिल गया, एमजी रोड, एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड, उस खरे को सबक सिखाने का रास्ता कॉलेज के नाम के अंदर ही है। चाचा जी की बोल गए, वो मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सोरी चाचा जी, बहुत बड़ी बात कह के गए हमसे, गांधीगिरी से चमत्कार हो सकता है। करेक्ट मेहता साहब, आज के सैटेलाइट के युग में भी गांधी जी के विचार बहुत इफेक्टिव हैं। सही बात है। एक काम करती हूँ, आज सब लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर हम सब लोग साथ में बैठकर ऐसी गांधीगिरी के बारे में सोचते हैं जिससे वो खरे भाई की सारी चालूगिरी बंद हो जाए। बढ़िया। दोस्तों अब किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैंने सोच लिया कि क्या करना। क्या क्या? हम गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध और सशक्त शस्त्र अपनाएंगे, हम एम के गांधी कॉलेज के बाहर आमरण उपवास करेंगे। यानी कोई और परिस्थिति होती ना पोपटलाल, तो शायद आइडिया काम कर जाता, लेकिन इस परिस्थिति में हम लोग उपवास नहीं कर सकते। हम लोग अगर उपवास करेंगे तो कॉलेज मैनेजमेंट वाले क्या कहेंगे कि भाई इनके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ये लोग उपवास कर रहे हैं। और
और तो और हम लोगों का वीडियो भी तो उस खरे के पास है ना। हाँ बराबर सही बात है मेहता साहब की। पुपटलाल उपवास वाला आइडिया कैंसिल। हमें गांधी जी का कोई और शस्त्र अपनाना पड़ेगा। दांडी यात्रा। यस याद है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक का सत्याग्रह किया था दांडी यात्रा। वैसे ही हम लोग इस आई एम खरे के खिलाफ विरोध यात्रा करेंगे और जिन जिन के साथ इस खरे ने अन्याय किया है ना उन सबको आह्वान करेंगे कि हमारी यात्रा में शामिल हो जाए। क्या कैसी आइडिया? हाँ मस्त आइडिया है। छाने छाने नहीं नहीं भिड़े भाई ये आइडिया कैंसल। आज के जमाने में जहाँ लोग पैसे देकर एडमिशन ले लेते हैं वहाँ उनके खिलाफ नारे लगाने कौन आएगा भाई? यात्रा में सिर्फ हम ही होंगे और कोई नहीं होगा। बैठ जा बैठ जा। एक काम कर सकते हैं। पीछे डबरा। आप सब लोग मुझे ये बताइए कि हम में और इस खरे में क्या फर्क है? वो आई एम खरे तो बिल्कुल खरा नहीं है और हम सब सोने के जैसे खरे हैं। बिल्कुल सोटी बिल्कुल सही कहा तुमने। थैंक यू। देखिए हम लोग कभी भी कोई गलत काम करने का सोच ही नहीं सकते क्योंकि हमारा दिल कुछ गलत या कुछ बुरा करने के लिए राजी नहीं होता है। हम सब इतने अच्छे हैं कि बुरा काम करना तो दूर बुरे काम के बारे में सोचने में भी हमें शर्म महसूस होती है। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खरे ने जो भी बुरा काम किया है उसके लिए उसके दिल में उसे शर्म महसूस हो, उसको ये एहसास हो जाए कि मैंने जो कुछ किया है वो बहुत बुरा किया है। अगर ऐसा एक बार हो गया तो जैसा बापू जी ने कहा उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और अगर उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो वो फिर कभी कोई बुरा काम करेगा ही नहीं। ऐसे इंसान के दिल में शर्म पैदा करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। कहते हैं जिसे शर्म नहीं उसे कोई डर नहीं, जिसे कोई डर नहीं उसके लिए कोई बंधन नहीं, और जिसके लिए कोई बंधन ही ना हो उसे पकड़े तो पकड़े कैसे है? नहीं किसी अभेद किले को भेदना आसान है लेकिन किसी हृदय को भेदना बड़ा मुश्किल काम है। अब आयम खरे के हृदय को परिवर्तित कैसे करें? किस तरह से हृदय परिवर्तन हो आयम खरे? भाई चंपक चाचा ने तो कह दिया कि गांधीगिरी करो लेकिन किस तरह से करें गांधीगिरी? आज के जमाने में अगर सबसे मुश्किल काम है तो गांधीगिरी करना, लेकिन हमें गांधी जी के सिद्धांतों पर पूरा भरोसा है, हमें सच्चाई के रास्ते पर पूरा विश्वास है और आप यकीन मानिए गोकुलधाम निवासी कुछ इस तरह की गांधीगिरी करेंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी और आई एम खरे का हृदय परिवर्तन होगा और आपके घरों में गूंजेंगे ठहाके। हंसते हंसते देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।